खुलूत मेरी चैरिटी सेल के लिए केक्स बनाने वाली हैं। लड़को, क्या तुम भी मदद करना चाहोगे? हम करना तो चाहते हैं मम्मी, पर हम बहुत बिजी हैं। कामों में। हाँ, हमें बहुत ही ज्यादा काम करने हैं। सच? मैं तो टीवी देखने में ही खुश था दोस्तों। हाँ, तुम किन कामों की बात कर रहे हो सालम? हमारे काम। जैसे? बहुत जरूरी खुफिया काम। बहुत जरूरी खुफिया काम है तुम्हें? अच्छा मंसूर, तुम जानते हो तुम्हें अपनी मम्मी से राज नहीं रखने चाहिए। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि सबसे अच्छा केक बनाने वाले को 100 दिरहम इनाम मिले, तो क्या तुम्हारे ये जरूरी खुफिया काम कम जरूरी काम हो जाएंगे? बिल्कुल। बढ़िया, मुझे 3 केक्स की जरूरत है, तो तुम सब 3 टीम्स बना लेना। खुलूद और शमा, तुम दोनों हनी और डेट केक बना सकती हो। तुर्की और सालेम, तुम दोनों चॉकलेट केक बनाओगे। और मंसूर और ओबेद, तुम विक्टोरिया स्पॉन्ज बना देना। ये असल में बहुत साइंटिफिक है। ऐसी प्रोसेस है जिसमें कैटलिस्ट और हीट देकर इंसान कुछ इंग्रेडिएंट्स के प्रॉपर्टीज बदल देते हैं उन्हें आपस में मिला देने के बाद। नहीं, बेकिंग में इंसान को बस चीजें मिलाकर बहुत टेस्टी खाना बनाना होता है। हाँ उबेद, पर साइंस ही उस टेस्ट को लाजवाब बनाता है। नहीं नहीं मंसूर, ये तो आइसिंग की वजह से टेस्टी बनती है। हमारे पास केक का सारा सामान है। सही कहा, केक को बनने में ज्यादा वक्त तो नहीं लगेगा। हम तो ये आसानी से जीत जाएंगे। मैं तो ये तक नहीं जानता कि यहाँ क्या क्या पड़ा है। सालेम, तुम पहले खाना बंद करो। क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत है। जरूरत से ज्यादा ही है। क्या बात है, यहाँ लिखा है एक स्पॉन्ज केक बनाने के लिए एक परफेक्ट बैलेंस की जरूरत होती है, जो बनाना होता है आटे और अंडे को मिलाकर, और उसमें फैट और शुगर से स्ट्रक्चर को सॉफ्ट रखा जाता है। केक के अंदर भी कोई स्ट्रक्चर होता है? केक में दीवारें? मुझे नहीं लगता वो टेस्टी होगा फिर। मेरे ख्याल से थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। क्या तुमने कहीं चॉकलेट देखी? क्या उसकी जरूरत है? बिल्कुल, हमें चॉकलेट की जरूरत है। ये एक चॉकलेट केक है। अरे नहीं, क्या तुमने वो खा ली? थोड़ी सी। थोड़ी सी? बहुत अच्छा, मुझे तुम्हारी वजह से दुकान से दूसरी लानी पड़ेगी। मक्खन और चीनी को आपस में फेंटने से मिक्सचर में छोटे बुलबुले बन जाते हैं, समझे? फिर शीट्स को मिक्सचर पर अच्छे से फैला दो, जिससे ये केक मुंह में डालते ही पिघल जाए। फिर तो तुम रुको मत, मुझे ऐसा केक पसंद है। अगर जीतने वाला केक होता तो ऐसा दिखता, इसमें कोई शक नहीं है। अंडों का प्रोटीन छोटे छोटे गैस बबल्स को घेर कर आज पर उन गैस बबल को फटने से बचाता है। पर हमें कैसे पता कि अंडे गैस बबल्स को आग से बचाते हैं? क्या ये खास अंडे हैं? क्या ये सुपर हीरो अंडे हैं?
जिनकी अपनी खुद की सुपर पावर है। और अगर ये सुपर हीरो है तो क्या इनके भी कॉस्ट्यूम होते हैं? सुनो साले, मैं आ गया। मैं चॉकलेट तो ले आया, और हमारा मिक्सर कहाँ है? बोल में। मेरा मतलब है बाकी का कहाँ है? तुम उसे भी खा गए? सालेम, भूख लगी थी। मैं ये देखने के लिए टेस्ट कर रहा था कि ये कैसी बनी है। तुम्हें कच्चा केक मिक्स नहीं खाना चाहिए, तुम बीमार पड़ सकते हो, तुम जानते नहीं? मुझे अजीब तो लग रहा है तुर्की। बढ़िया है, अब तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। ये केक मैं अपने आप से बना लूंगा, समझ गए तुम? एक बात बताओ, केक टेस्टी बनी थी। तुम्हारी राय जानकर मैं क्या करूं, इसका मुझे कोई फायदा नहीं होगा। मैं तंग आ गया हूँ इस कंपटीशन से और सबकी गुलामी करने से भी। काश ये सब कोई गायब ही हो जाए। दोस्तों, मंसूर, अबैद, तुर्की, बाहर आ जाओ। दोस्तों बहुत हुआ मजाक, कहाँ हो सब? मंसूर, अबैद, तुर्की, कहाँ गए सारे? शम्मा, खुलूद, कोई दिख ही नहीं रहा, सारे गए कहाँ? कोई है क्या? कोई है? किधर गए? कोई है? कहाँ गए सब? सब कहाँ है? चले गए क्या? चलो कम से कम शांति तो मिली मुझे, कोई हुकुम भी नहीं चलाएगा मुझ पर। प्लीज मुझे ढूंढ मत लेना, प्लीज मुझे ढूंढ मत लेना। गायब नहीं हुए। मुझे लगा मैं तुम सबको कभी देख ही नहीं पाऊंगा। तुम क्या बोले जा रहे हो सालिम? तुम लिविंग रूम में थे, चांद पर नहीं। मानो मैं चांद पर ही था।
मैं जागा और यहाँ कोई नहीं था, ना सड़क ना पार्क में। फिर मैं जाकर पार्क में बैठा तो वहाँ एक डरावना सा केक आ गया, बहुत बड़ा। मेरा पीछा करके वो कुचलने की कोशिश कर रहा था और मुझ पर कपकेक से हमला करने लगा जब तक मैं फंसा नहीं। और फिर उस बड़े केक ने, बड़े केक से तुम्हारा मतलब ऐसा केक तो नहीं? तो किसने जीता है, किसे मिलेंगे 100 दिरहम? तुर्की, ये क्या हुआ, तुमने तो केक से पूरा नहा लिया। अच्छी कोशिश की भाई, अगर तुम्हें बेहतर बनना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें फुटबॉल खेलने की ज्यादा कोशिश करनी चाहिए और पढ़ाई वढ़ाई कम करनी चाहिए। उठो और इसे पकड़ो। हे, थोड़ी देर के लिए गेम रुकते हैं, एक ब्रेक लेकर कुछ पीने चलते हैं। अच्छा आइडिया है। तुम लोग इस नई ड्रिंक के सैंपल्स क्यों नहीं ट्राई करते जिसका नाम है बिंगो पॉप। बहुत टेस्टी है। अगर तुम्हें दिलचस्पी हो तो हमारे यहाँ एक कॉम्पिटिशन भी हो रहा है जिसमें हम बिंगो पॉप के लिए एक नया चेहरा ढूंढ रहे हैं। इससे आपका क्या मतलब है? इनके कहने का ये मतलब है कि जो ये कॉम्पिटिशन जीतेगा वो बिंगो पॉप के एड्स और पोस्टर्स पर आएगा। ये तो दिलचस्प है, मैं भी जीतना चाहता हूँ ताकि मैं मशहूर हो जाऊँ। मैं ही बनूंगा बिंगो पॉप का नया चेहरा। या मैं? हाँ? मैं होता तो तुम्हें सिलेक्ट करता, पर बिंगो पॉप वाले शायद तुर्की जैसी किसी मॉडल की तलाश में है, है ना? यहाँ लिखा है कि तुम्हें अपने फोटोज के साथ साथ एक ऐसे लिखना होगा, वो भी पूरे 200 शब्दों का, ये बताते हुए कि तुम्हें बिंगो पॉप क्यों पसंद है। क्या? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे पास मसल जरूर है लेकिन दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं है ना? मेरे पास फोटोज सबमिट करने के लिए तैयार है, अब मुझे बस ऐसे लिखना है जिससे मैं उस कॉम्पिटिशन को जीत जाऊँ। और इसीलिए मेरे भाई, मैं तुम्हें गुड लक और गुड नाइट कहना चाहता हूँ। बाय बाय। सुनो तुर्की, तुम लिख रहे हो ना इस कॉम्पिटिशन? ओह बेचारा तुर्की, तुम्हारा जीतने का चांस ही नहीं है। तुर्की, तुम क्या कर रहे हो? मैं बिंगो पॉप के कंपटीशन पर नजर रख रहा हूँ क्योंकि वो जल्द ही विनर डिसाइड करने वाले हैं। सालम, क्या तुमने भी उस कंपटीशन में हिस्सा लिया?
हाँ लिया तो है, हिस्सा लिया तो है, पर सबको पता है कि कंपटीशन कौन जीतने वाला है। किसे पता, शायद तुम जीत जाओ। देख लेंगे। कुछ आया है क्या? तुमने पक्का मेरा फॉर्म भेजा था सलीम? बिल्कुल। दोस्तों मुझे बिंगो बॉब से मैसेज आया है। बताओ क्या लिखा है। बाहर निकलो, इसमें इतना ही लिखा है। तुर्की, तुम जीत गए। सच में मैं जीत गया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैं जीत गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस तुर्की, तुम्हारे बेहतरीन ऐसे की वजह से तुम्हें एक साल के लिए बिंगो पॉप और उसकी सारी एड्स में काम करने का मौका मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन ऐसे लिखा था, हमें पढ़कर सच में बहुत मजा आया। सच में? मेरा मतलब शुक्रिया। तुम तैयार हो? चलो चलते हैं। ओके, तुम्हारी कॉस्ट्यूम्स ये रही। तुर्की, तुम इसे पहनोगे और तुम्हारे दोस्त वो ये वाली पहनेंगे। तुम सच में कमाल के लग रहे हो सालिम। घबराओ मत सालिम, हम सब बेवकूफ लग रहे हैं। हम सब सिवाय उसके। सब के सब बढ़िया लग रहे हैं। हम कुछ फोटोज क्लिक करेंगे। बहुत अच्छे, अब हम सब एड की शूटिंग शुरू करेंगे। ओके, सब तैयार है? एक्शन। हेलो, मेरा नाम तुर्की है और मुझे बिंगो पॉप बहुत ही ज्यादा पसंद है। सच में पसंद है। बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। तुर्की, क्या तुम्हें ये नया काम अच्छा लगा? हाँ अच्छा तो है, पर मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया है। अटेंशन तुर्की, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जानते हो वो क्या है? आज रात तुम लाइव टीवी शो पर गेस्ट के तौर पर आओगे। चलो चलते हैं। तो बच्चों, ये सब तुम्हारे लिए है, जितना चाहे पी लो। शुक्रिया। सच बताऊं तो पैर के कॉस्ट्यूम में काम करने से कुछ ज्यादा ही प्यास लगती है। नहीं 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 नहीं, आपका शुक्रिया, पर मैं पहले ही बहुत पी चुका हूँ। पर हमें तुम्हारी फोटोज चाहिए तुर्की, ताकि हम अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकें। बढ़िया। ओए। अब एक और सरप्राइज है, देखो। पर तुम बुरा मत मानना, अच्छा एक्टर ही जीतता है बस। ओ, ओ। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बिंगो पॉप के नए चेहरे का स्वागत करना चाहेंगे, जिन्हें आप जल्द ही हर जगह देखेंगे। इनके लिए तालियां। शुक्रिया। इतना मशहूर लड़का बनने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है तुर्की? माफ करना, सच कहूँ तो अच्छा लग रहा है। तुमने जो ऐसे लिखा था, तुम उसी की वजह से ये कंपटीशन जीते हो। और मेरा सबसे फेवरेट हिस्सा था जहाँ तुमने लिखा कि ये खूबसूरत मजेदार बस्ट्स हैं, जानदार शानदार फल के बुलबुले के, जो तुम्हारे टेस्ट बड्स में गुदगुदी छेड़ देते हैं। आखिर में तुमने अमेजिंग स्लोगन लिखा, क्या तुम हमें वो सुना सकते हो? मेरे ख्याल में मैंने ऐसा लिखा है कि ये ग्लजीज है और मैं इसे पीकर बस उड़ता जाऊं। नहीं, इसमें तो ऐसा नहीं लिखा। शायद यही लिखा था कि बिंगो पॉप मुझे छलांग मारने देता है जैसे एक कैंगरू। नहीं, इसमें ये भी नहीं लिखा। आ,
हाँ हाँ शायद याद आ गया। मैं बिंगो पॉप की वजह से अपना सर झुका दूंगा शर्म से। नहीं, तुमने अपने ऐसे में लिखा था कि बिंगो पॉप फ्रूटी बस्ट है बस्टी फ्रूट का, तुम्हें याद कैसे नहीं है? सच कहूँ तो मैंने वो नहीं लिखा था, मेरे भाई सैलम ने लिखा था। तो तुमने नहीं लिखा था? नहीं, पर मैंने इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई से मदद ली है। हमें जानकर बहुत खुशी हुई। अच्छा, क्या तुम इस जूस का एक सिप लेकर अपना स्लोगन सुनाना चाहोगे, यानी कि अपने भाई का स्लोगन? ये वाला बिंगो पॉप बहुत ही घटिया है, मुझे टॉयलेट जाना है, वॉशरूम कहाँ है? मुझे खुशी है मैं ये कॉम्पिटिशन नहीं जीता। तुर्की, तुम्हें सोशल मीडिया पे 15 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। सच कहो सालम, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, मुझे एहसास हुआ कि तुर्की मुझसे भी ज्यादा जीतना चाहता था, और मुझे पता था कि मेरा ऐसे उसके ऐसे से बेहतर था, तो इसीलिए तुमने मेरा ही मजाक बनवा दिया, वो भी लाइव टीवी शो पर। पर शुक्रिया, तुम बहुत ही अच्छे हो, तुमसे बदतमीजी करने के लिए मैं माफी चाहूंगा। हाँ? हेलो तुर्की, अब तुम बिंगो पॉप का चेहरा नहीं रह सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें तुम्हारे प्राइज का दूसरा हिस्सा मिलेगा। और वो क्या है? ये 1 साल के लिए बिंगो पॉप। हाँ? तुम्हें पसंद आया ना? मंसूर, फिशिंग रॉड्स रख लेना, ठीक है? जैसा आप कहे कैप्टन। तुर्की, सालम, रस्सियां ले लो। जैसा आप कहे कैप्टन। उबेद कहाँ है? हम ही सारा काम कर रहे हैं। मेरे लिए रुको। हाँ? ओह, देखो क्या डिस्काउंट मिला है मुझे। मूंगफलियों पर एक फ्री का ऑफर था। उबेद, तुम ये क्या कर रहे हो? हम तो फिशिंग करने जा रहे है ना, आखिर इतनी सारी मूंगफलियों का क्या करेंगे? ओह, किसे पता कब क्या काम आ जाए। कोई बात नहीं उबैद, चलो बच्चों बैग्स उठा लो। स्टारबोर्ड 3 डिग्रीज, वो फिशिंग के लिए सबसे अच्छी जगह है। ओपल समंदर। ओपल समंदर, इसके बारे में कभी नहीं सुना। ओपल समंदर पहेलियों से भरा, कहते हैं उस बिछड़े आइलैंड पर बड़े बड़े दानव हैं, बड़े जीवों की वहाँ भरमार है। लेकिन ये सिर्फ कहानी है ना दादाजी? हाँ, ये जगह असली में थोड़ी ना है। क्या कह रहे हो, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्या आप वहाँ गए हैं दादाजी? अगर मैं सच कहूँ तो मैं बड़े जीवों से दूर ही रहता हूँ। सालिम सही है, ये जगह पुरानी कहानियों में एक है, पर यहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ भी मिलेंगी। ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है, चलो चलकर मछलियाँ पकड़ें। चलो मछली पकड़ते हैं। बचकर रहना मछलियों, हमारे हैं। काले बादल और धुंध, ठंड भी बढ़ गई है। अरे, ये अंधेरा कहाँ से आ गया? रॉड्स को साइड में रखो, धुंध छटने तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। धुंध से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए तब कुछ बात बने। दादाजी क्या हो गया?
एक मिनट, कंपास को देखो। अजीब है। और तो और ये रेडियो भी नहीं चल रहा। बस बहुत हुआ, ये एक बिजली का तूफान है, धुंध के साथ अक्सर आती है। कोई नीचे से उठने वाला बादल होगा। और बिजली ने सारी डिवाइसेस ठप कर दिए हैं। सही कहा। हम सब यहाँ से बहुत जल्द निकल जाएंगे, घबराओ मत बच्चों। हम रेतीले बीच पर पहुँच गए, ये काफी बुरा हो सकता था। सही कहा, पत्थरों से तो अच्छा ही है। अब देखते हैं कितना नुकसान हुआ है। ये तो मुड़ गई है, इसे ठीक करना होगा। क्या हम कर पाएंगे? क्यों नहीं, मेरे पास सारे औजार हैं। लेकिन तब तक तुम चाहो तो मछलियाँ पकड़ लो, उतनी देर में मैं काम शुरू कर देता हूँ। क्यों नहीं। इसे पकड़ो, मैं भी नीचे आ रहा हूँ। देखते हैं इसे क्या हुआ। भूख लगी है, उम्मीद है कुछ जल्दी मिल जाए। मिल गया। हाँ, मदद करो, ये काफी बड़ा है। देखो कितना बड़ा है। इतनी बड़ी मछली आज तक नहीं देखी। और नहीं पकड़ पाऊंगा। जैसा दादाजी ने कहा था। क्या? हम उसी आइलैंड पर तो हैं, जहाँ पर बड़े जीव हैं। पर ये तो बस एक पुरानी कहानी ही थी ना। सही कहा ना? वेद सही है, हमें छिपना होगा। चलो दादाजी, दादाजी बचिए। चलो चले। तुम जाओ यहाँ से। डायरेक्ट लग गया, जल्दी एक और फेंको। धक्का दो। अब हम सुरक्षित हैं। शायद नहीं। यहाँ जानवरों को क्या खिलाया जाता है? वो सब छोड़ो, बस हम उनका खाना ना बन जाएं। हमें नीचे उतरना होगा। लगता है ये कीड़ा तो उसके लिए बस एक स्टार्टर की तरह था। और हम उसका मेन कोर्स बनेंगे, अब क्या करें? रुको, मेरे ख्याल से ये फ्रेंडली है। मंसूर तुम क्या कर रहे हो? ये कुछ नहीं करेगा, पीछे देखो। अगर आगे आए तो मैं दादाजी। मंसूर। दादाजी मेरे ख्याल से ये बाप बेटे हैं। इसे रोकना होगा, वरना ये बोट को तोड़ देगा। मैंने सुना है पूंगफलियां बंदरों को बड़ी पसंद है। नीचे नीचे। हाँ। घर जाना है। लगता है काम बन रहा है। ये लो। कस के पकड़ो। वो देखो। बच गए दोस्तों।
यहाँ इस साइलेंट में हर कोई हमें खाना क्यों चाहता है? जूनियर की मदद करनी होगी, जल्दी मुझे रॉड दीजिए। मंसूर, अभी फिशिंग के लिए टाइम नहीं है। थोड़ा सा इंतजार करो और हमला करो। हमने मछलियां तो नहीं पकड़ी, पर एक बड़ा सा पक्षी पकड़ लिया। चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं, उससे पहले कि यहाँ एक बड़ा केकड़ा आ जाए। चलो चलते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं हुई तो कहीं जाना मुश्किल है, और ऊपर से मेरा हथौड़ा भी नहीं मिल रहा है। कोशिश करते हैं दादाजी। ये इतना मजबूत नहीं है। तो अब क्या? ये हुई ना बात। चलो ये काम तो बढ़िया हो गया, चलो घर चलते हैं। एक सेकंड, उबेद इन्हें मूंगफली दे दो। बाय बाय। दादाजी देखिए वो धुंध, हमें घर जाने के लिए उसी में से जाना होगा। बिल्कुल। अपनी फिशिंग रॉड्स उठा लो, क्योंकि अभी हम वहां हैं जहां पकड़ने के लिए बहुत सारी मछलियां मिलेंगी। आपने सही कहा। स्पेशल एजेंट बदर, हम लोकेशन पर पहुंच गए। खुफिया अड्डा डबल एक्स शंकुल का। आपको गुड लक सर। शुक्रिया, पर मुझे लक की जरूरत नहीं है। मत डबल एक्स शंकुल। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। मैंने तुम्हें और तुम्हारे जासूस सैटेलाइट को पकड़ ही लिया, अब तुम जेल जाओगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता एजेंट बादर। हाय, क्या कर रहे हो तुम मंसूर? देखो हो गया। पांच नए इन्वेंशंस, क्या ये काम करते हैं? दोस्तों जानने का एक ही तरीका है, पहले इसे टेस्ट करके देखते हैं। पीछे हो जाओ। वाह, ये क्या है? ये है बाउंसर 1000। और ये क्या करता है? मैं अभी दिखाता हूँ। ओ वाह, क्या मैं भी ट्राई करूँ अब? बिल्कुल।
क्या इसे चलाना आसान है? हाँ, जिस तरफ जाना है उस तरफ झुक जाओ, कोई भी चला सकता है। हाँ, ओबेद को छोड़कर कोई भी। ओ, 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 अरे बचाओ! ओह नहीं, उसे पकड़ना होगा। ओबेद, मैं यहाँ हूँ। वहीं रुक जाओ, तुम्हें बचाने आ रहे हैं। अंदर कैसे जाएं? देखो इससे। ये क्या है? ये डिब्बे में रस्सी है, ये जरूर काम आएगा। देखते जाओ। कमाल कर दिया मंसूर। रुको, हम आ रहे हैं। ओह दोस्तों, शुक्र है मैं उस गुब्बारे से बाहर निकल आया। मुझसे तो वो गुब्बारा बिल्कुल ही नहीं चल पाया। ये कौन सी जगह है? चलो चलकर देखते हैं। कोई है? चलो रुको तो सही। हाँ? क्या कोई है? ये क्या है? पता नहीं। ओह ये जगह बहुत अजीब है। घबराओ मत, सब ठीक होगा। हाँ? यहाँ कुछ तो गड़बड़ लगता है। छुप जाओ, जल्दी छुप जाओ। तुम्हारा शुक्रिया बच्चों। आप कौन हैं? एक खुफिया एजेंट। ये कौन सी जगह है? बच्चों ये एक शातिर गुंडे का हेडक्वार्टर है। और आपको इस डब्बे में क्यों बंद रखा है? एक लाल आंख वाले रोबो ने मुझे बांधा है। आप चाहे तो आपको खोल दे। हाँ प्लीज खोल दो। हमें क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें सुरक्षित बाहर ले जाऊंगा, पर पहले मुझे डबल एक्स शंकुल को पकड़ कर उसके सैटेलाइट को नष्ट करना होगा। क्या बात है, लगता है अब हमें एक असली मिशन पर है, वो भी एक असली जासूस के साथ। मेरे पास कुछ गैजेट्स थे जिनसे मैं टीम के बड़े बड़े डब्बों का सामना कर सकता था, पर पता नहीं वो कहाँ चले गए। मेरे पास कुछ इन्वेंशंस हैं जो हमारी मदद करेंगे। उन्हें जल्दी निकालो। ये क्या है? रॉकेट की रफ्तार वाले जूते। पर पता नहीं हमारे कैसे काम आएंगे। बस देखते जाइए। क्या बात है, चलो अब डबल एक्स शंकुल और उस जासूसी सैटेलाइट को पकड़ते हैं। उस सैटेलाइट से तुम दूर हटो। देर कर दी। मंसूर क्या तुम्हारे पास और कोई गैजेट है? नहीं। बहुत अच्छे, अब हमें इसे तोड़ना होगा। मैं संभाल लूंगा। ओबेद पकड़ो इसे। माफ करना। बहुत अच्छे ओबेद, मुझे पूरा यकीन था कि तुम इसे गिरा सकते हो। मैं सही था ना? तुमने मेरा जासूसी सैटेलाइट तोड़ दिया, पर तुम मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। बच्चों चलो चलें।
अरे वाह, ये चीज क्या है? ये भी मेरा इन्वेंशन है। आप इसके सीट पर बैठकर इसे चला सकते हैं। शकुन, रुक जाओ। वो बच के निकल जाएगा। इसे ट्राई कीजिए। ये क्या? ये सुपर स्लाइम है, टकराते ही एक्सपांड हो जाएगा। क्या बात है, सब लोग थोड़ा थोड़ा ले लो। मारो, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ, अरे बचाओ। इतनी मेहनत मत करो, यहाँ कोई नहीं बचाएगा। ऐसी बात है। कितने सारे हैं? तुम्हारे पास और कौन से गैजेट्स हैं? मेरे पास ये है। क्या बात है, ये क्या करता है? कुछ भी नहीं, ये बस एक छोटा सा रबर डकी है। अच्छा। मुझे नहीं लगता हम यहाँ से बच के निकल पाएंगे। मेरे पास एक खुफिया हथियार है। और वो क्या है? क्या नहीं, कौन है पूछो। कौन है फिर? वो तुम हो। मैं? उबेद, जाओ और मदद ले आओ जल्दी। ओ, मुझे माफ कर जाओ। नहीं, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे रोबोट की सेना। ये सब कुछ तोड़ना उबेद ही कर सकता है मंसूर। जासूसी सैटेलाइट और रोबोट की सेना दोनों खत्म हो चुकी है मंसूर। और हमने इसे पकड़ भी लिया। मेरी किस्मत अच्छी थी जो तुम आ गए, और मैं मानता था कि मेरी कामयाबी का किस्मत से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आज एक सबक सीखा है। मैं तुम्हारे बिना कामयाब नहीं हो सकता था, तुम्हारे दोस्तों के और गैजेट्स के बिना। और हम ये सब उबेद के बिना नहीं कर पाते, दुनिया का सबसे खराब ड्राइवर। खुलूत मेरी चैरिटी सेल के लिए केक्स बनाने वाली हैं। लड़को, क्या तुम भी मदद करना चाहोगे? हम करना तो चाहते हैं मम्मी, पर हम बहुत बिजी हैं। कामों में। हाँ, हमें बहुत ही ज्यादा काम करने हैं। सच? मैं तो टीवी देखने में ही खुश था दोस्तों। हाँ, तुम किन कामों की बात कर रहे हो सालम? हमारे काम। जैसे? बहुत जरूरी खुफिया काम। बहुत जरूरी खुफिया काम है तुम्हें? अच्छा मंसूर, तुम जानते हो तुम्हें अपनी मम्मी से राज नहीं रखने चाहिए। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि सबसे अच्छा केक बनाने वाले को 100 दिरहम इनाम मिले, तो क्या तुम्हारे ये जरूरी खुफिया काम कम जरूरी काम हो जाएंगे? बिल्कुल। बढ़िया, मुझे 3 केक्स की जरूरत है, तो तुम सब 3 टीम्स बना लेना। खुलूद और शमा, तुम दोनों हनी और डेट केक बना सकती हो। तुर्की और सालेम, तुम दोनों चॉकलेट केक बनाओगे। और मंसूर और ओबेद, तुम विक्टोरिया स्पॉन्ज बना देना।
ये असल में बहुत साइंटिफिक है। ऐसी प्रोसेस है जिसमें कैटलिस्ट और हीट देकर इंसान कुछ इंग्रेडिएंट्स के प्रॉपर्टीज बदल देते हैं उन्हें आपस में मिला देने के बाद। नहीं, बेकिंग में इंसान को बस चीजें मिलाकर बहुत टेस्टी खाना बनाना होता है। हाँ उबेद, पर साइंस ही उस टेस्ट को लाजवाब बनाता है। नहीं नहीं मंसूर, ये तो आइसिंग की वजह से टेस्टी बनती है। हमारे पास केक का सारा सामान है। सही कहा, केक को बनने में ज्यादा वक्त तो नहीं लगेगा। हम तो ये आसानी से जीत जाएंगे। मैं तो ये तक नहीं जानता कि यहाँ क्या क्या पड़ा है। सालेम, तुम पहले खाना बंद करो। क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत है। जरूरत से ज्यादा ही है। क्या बात है, यहाँ लिखा है एक स्पॉन्ज केक बनाने के लिए एक परफेक्ट बैलेंस की जरूरत होती है, जो बनाना होता है आटे और अंडे को मिलाकर, और उसमें फैट और शुगर से स्ट्रक्चर को सॉफ्ट रखा जाता है। केक के अंदर भी कोई स्ट्रक्चर होता है? केक में दीवारें? मुझे नहीं लगता वो टेस्टी होगा फिर। मेरे ख्याल से थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। हाँ तुमने सही कहा। क्या तुमने कहीं चॉकलेट देखी? क्या उसकी जरूरत है? बिल्कुल हमें चॉकलेट की जरूरत है, ये एक चॉकलेट केक है। अरे नहीं, क्या तुमने वो खा ली? थोड़ी सी। थोड़ी सी? बहुत अच्छे, मुझे तुम्हारी वजह से दुकान से दूसरी लानी पड़ेगी। मक्खन और चीनी को आपस में फेंटने से मिक्सचर में छोटे बुलबुले बन जाते हैं, समझे? फिर शीट्स को मिक्सचर पर अच्छे से फैला दो, जिससे ये केक मुंह में डालते ही पिघल जाए। फिर तो तुम रुको मत, मुझे ऐसा केक पसंद है। अगर जीतने वाला केक होता तो ऐसा दिखता, इसमें कोई शक नहीं है। अंडों का प्रोटीन छोटे छोटे गैस बबल्स को घेर कर आज पर उन गैस बबल को फटने से बचाता है। पर हमें कैसे पता कि अंडे गैस बबल्स को आग से बचाते हैं? क्या ये खास अंडे हैं? क्या ये सुपर हीरो अंडे हैं जिनकी अपनी खुद की सुपर पावर है? और अगर ये सुपर हीरो हैं तो क्या इनके भी कॉस्ट्यूम होते हैं? सुनो साले, मैं आ गया। मैं चॉकलेट तो ले आया, और हमारा मिक्सर कहाँ है? बोल में। मेरा मतलब है बाकी का कहाँ है? तुम उसे भी खा गए? सालेम, भूख लगी थी, मैं ये देखने के लिए टेस्ट कर रहा था कि ये कैसी बनी है। तुम्हें कच्चा केक मिक्स नहीं खाना चाहिए, तुम बीमार पड़ सकते हो, तुम जानते नहीं? मुझे अजीब तो लग रहा है तुर्की। बढ़िया है, अब तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, ये केक मैं अपने आप से बना लूंगा, समझ गए तुम? एक बात बताओ, केक टेस्टी बनी थी? तुम्हारी राय जानकर मैं क्या करूं, इसका मुझे कोई फायदा नहीं होगा। मैं तंग आ गया हूँ इस कॉम्पिटिशन से और सबकी गुलामी करने से भी, काश ये सब कोई गायब ही हो जाए। दोस्तों, मंसूर, अबेद, तुर्की, बाहर आ जाओ। दोस्तों बहुत हुआ मजा, कहाँ हो सब? मंसूर, अबेद, तुर्की,
कहाँ गए सारे? शम्मा, खुलूद, कोई दिख ही नहीं रहा, सारे गए कहाँ? कोई है क्या? कोई है? किधर गए? कोई है? कहाँ गए सब? सब कहाँ है? चले गए क्या? चलो कम से कम शांति तो मिली मुझे, कोई हुकुम भी नहीं चलाएगा मुझ पर। प्लीज मुझे ढूंढ मत लेना, प्लीज मुझे ढूंढ मत लेना। तुम सब गायब नहीं हुए। मुझे लगा मैं तुम सबको कभी देख ही नहीं पाऊंगा। तुम क्या बोले जा रहे हो सालिम? तुम लिविंग रूम में थे, चांद पर नहीं। मानो मैं चांद पर ही था। मैं जागा और यहाँ कोई नहीं था, ना सड़क ना पार्क में। फिर मैं जाकर पार्क में बैठा तो वहाँ एक डरावना सा केक आ गया, बहुत बड़ा। मेरा पीछा करके वो कुचलने की कोशिश कर रहा था और मुझ पर कपकेक से हमला करने लगा जब तक मैं फंसा नहीं। और फिर उस बड़े केक ने, बड़े केक से तुम्हारा मतलब ऐसा केक तो नहीं? तो किसने जीता है? किसे मिलेंगे 100 दिरहम? तुर्की, ये क्या हुआ? तुमने तो केक से पूरा नहा लिया। अच्छी कोशिश की भाई, अगर तुम्हें बेहतर बनना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें फुटबॉल खेलने की ज्यादा कोशिश करनी चाहिए और पढ़ाई वढ़ाई कम करनी चाहिए। उठो और इसे पकड़ो। हे, थोड़ी देर के लिए गेम रुकते हैं, एक ब्रेक लेकर कुछ पीने चलते हैं। अच्छा आइडिया है। तुम लोग इस नई ड्रिंक के सैंपल्स क्यों नहीं ट्राई करते जिसका नाम है बिंगो पॉप? ओह,
बहुत टेस्टी है। अगर तुम्हें दिलचस्पी हो तो हमारे यहाँ एक कॉम्पिटिशन भी हो रहा है जिसमें हम बिंगो पॉप के लिए एक नया चेहरा ढूंढ रहे हैं। इससे आपका क्या मतलब है? इनके कहने का ये मतलब है कि जो ये कॉम्पिटिशन जीतेगा वो बिंगो पॉप के एड्स और पोस्टर्स पर आएगा। ये तो दिलचस्प है, मैं भी जीतना चाहता हूँ ताकि मैं मशहूर हो जाऊँ। मैं ही बनूंगा बिंगो पॉप का नया चेहरा। या मैं? हाँ? मैं होता तो तुम्हें सिलेक्ट करता, पर बिंगो पॉप वाले शायद तुर्की जैसी किसी मॉडल की तलाश में है, है ना? यहाँ लिखा है कि तुम्हें अपने फोटोज के साथ साथ एक ऐसे लिखना होगा वो भी पूरे 200 शब्दों का, ये बताते हुए कि तुम्हें बिंगो पॉप क्यों पसंद है। क्या? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे पास मसल जरूर है लेकिन दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं है ना? मेरे पास फोटोज सबमिट करने के लिए तैयार है, अब मुझे बस ऐसे लिखना है जिससे मैं उस कॉम्पिटिशन को जीत जाऊँ। और इसीलिए मेरे भाई मैं तुम्हें गुड लक और गुड नाइट कहना चाहता हूँ। बाय बाय। सुनो तुर्की, तुम लिख रहे हो ना इस कॉम्पिटिशन? ओह बेचारा तुर्की, तुम्हारा जीतने का चांस ही नहीं है। तुर्की, तुम क्या कर रहे हो? मैं बिंगो पॉप के कंपटीशन पर नजर रख रहा हूँ क्योंकि वो जल्द ही विनर डिसाइड करने वाले हैं। सालम, क्या तुमने भी उस कंपटीशन में हिस्सा लिया? हाँ, लिया तो है। हिस्सा लिया तो है, पर सबको पता है कि कंपटीशन कौन जीतने वाला है। किसे पता, शायद तुम जीत जाओ। देख लेंगे। कुछ आया है क्या? तुमने पक्का मेरा फॉर्म भेजा था सलीम? बिल्कुल। दोस्तों, मुझे बिंगो पॉप से मैसेज आया है। बताओ क्या लिखा है। बाहर निकलो, इसमें इतना ही लिखा है। तुर्की, तुम जीत गए। सच में मैं जीत गया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैं जीत गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस तुर्की, तुम्हारे बेहतरीन ऐसे की वजह से तुम्हें एक साल के लिए बिंगो पॉप और उसकी सारी एड्स में काम करने का मौका मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन ऐसे लिखा था, हमें पढ़कर सच में बहुत मजा आया। सच में? मेरा मतलब शुक्रिया। तुम तैयार हो? चलो चलते हैं। ओके, तुम्हारी कॉस्ट्यूम्स ये रही। तुर्की, तुम इसे पहनोगे और तुम्हारे दोस्त वो ये वाली पहनेंगे। तुम सच में कमाल के लग रहे हो सालिम। घबराओ मत सालम, हम सब बेवकूफ लग रहे हैं। हम सब सिवाय उसके। सब के सब बढ़िया लग रहे हैं। हम कुछ फोटोज क्लिक करेंगे। बहुत अच्छे, अब हम सब एड की शूटिंग शुरू करेंगे। ओके, सब तैयार है? एक्शन। हेलो, मेरा नाम तुर्की है और मुझे बिंगो पॉप बहुत ही ज्यादा पसंद है। सच में पसंद है। बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। तुर्की, क्या तुम्हें ये नया काम अच्छा लगा? हाँ, अच्छा तो है, पर मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया है। अटेंशन तुर्की, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जानते हो वो क्या है? आज रात तुम लाइव टीवी शो पर गेस्ट के तौर पर आओगे। चलो चलते हैं। तो बच्चों, ये सब तुम्हारे लिए है।
जितना चाहे पी लो। शुक्रिया। सच बताऊं तो पैर के कॉस्ट्यूम में काम करने से कुछ ज्यादा ही प्यास लगती है। नहीं 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 नहीं, आपका शुक्रिया पर मैं पहले ही बहुत पी चुका हूँ। पर हमें तुम्हारी फोटोज चाहिए तुर्की, ताकि हम अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकें। बढ़िया। ओए। अब एक और सरप्राइज है, देखो। देखो, मैं हर जगह हूँ सैलम। पर तुम बुरा मत मानना, अच्छा एक्टर ही जीतता है बस। ओ, ओ। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बिंगो पॉप के नए चेहरे का स्वागत करना चाहेंगे, जिन्हें आप जल्द ही हर जगह देखेंगे। इनके लिए तालियां। शुक्रिया। इतना मशहूर लड़का बनने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है तुर्की? माफ करना, सच कहूँ तो अच्छा लग रहा है। तुमने जो ऐसे लिखा था, तुम उसी की वजह से ये कंपटीशन जीते हो। और मेरा सबसे फेवरेट हिस्सा था जहाँ तुमने लिखा कि ये खूबसूरत मजेदार बस्त हैं, जानदार शानदार फल के बुलबुले के, जो तुम्हारे टेस्ट बर्ड्स में गुदगुदी छेड़ देते हैं। और आखिर में तुमने अमेजिंग स्लोगन लिखा, क्या तुम हमें वो सुना सकते हो? मेरे ख्याल में मैंने ऐसा लिखा है कि ये ग्लजीज है और मैं इसे पीकर बस उड़ता जाऊं। नहीं, इसमें तो ऐसा नहीं लिखा। शायद यही लिखा था कि बिंगो पॉप मुझे छलांग मारने देता है जैसे एक कैंगरू। नहीं, इसमें ये भी नहीं लिखा। शायद याद आ गया, मैं बिंगो पॉप की वजह से अपना सर झुका दूंगा शर्म से। नहीं, तुमने अपने ऐसे में लिखा था कि बिंगो पॉप फ्रूटी बस्ट है, बस्टी फ्रूट का। तुम्हें याद कैसे नहीं है? सच कहूं तो मैंने वो नहीं लिखा था, मेरे भाई सैलम ने लिखा था। तो तुमने नहीं लिखा था? नहीं, पर मैंने इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई से मदद ली है। हमें जानकर बहुत खुशी हुई। अच्छा, क्या तुम इस जूस का एक सिप लेकर अपना स्लोगन सुनाना चाहोगे, यानी कि अपने भाई का स्लोगन? ये वाला बिंगो पॉप बहुत ही घटिया है, मुझे टॉयलेट जाना है, वॉशरूम कहाँ है? मुझे खुशी है मैं ये कंपटीशन नहीं जीता। तुर्की, तुम्हें सोशल मीडिया पे 15 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। सच कहो सालम, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, मुझे एहसास हुआ कि तुर्की मुझसे भी ज्यादा जीतना चाहता था, और मुझे पता था कि मेरा ऐसे उसके ऐसे से बेहतर था, तो इसीलिए तुमने मेरा ही मजाक बनवा दिया, वो भी लाइव टीवी शो पर। पर शुक्रिया, तुम बहुत ही अच्छे हो, तुमसे बदतमीजी करने के लिए मैं माफी चाहूंगा। हाँ? हेलो तुर्की, अब तुम बिंगो पॉप का चेहरा नहीं रह सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें तुम्हारे प्राइस का दूसरा हिस्सा मिलेगा। और वो क्या है? ये, एक साल के लिए बिंगो पॉप। हाँ? तुम्हें पसंद आया ना?
साइंस फेयर में आप सभी का स्वागत है। साइंस हमारी दुनिया की स्टडी को कहते हैं। सभी चीजें कैसे और क्यों काम करती हैं, यानी कि हर चीज को मुमकिन कर देता है। साइंस इंसान को चांद पर ले गया है और कंप्यूटर हमारी जेबों में है। मैं एक्साइटेड हूँ, आज हमारे नन्हे साइंटिस्ट क्या पेश करने वाले हैं। इस साल बड़ी खुशी से मैं बता दूं कि हमारे विजेताओं को कैश प्राइज के साथ एक एक्सक्लूसिव टूर मिलने वाला है, वो भी साइंस म्यूजियम का। चलिए जजेस, आप शुरू कीजिए। एक वंडर ग्राफ जनरेटर, क्या बात है, डिटेल्स बताओ। वंडर ग्राफ जनरेटर एक बहुत ही बड़ी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है, करीब 1 करोड़ वोल्ट का। सही कहा, पर बहुत ही कम करंट से। देखो। आपके तो बाल खड़े हो गए। बहुत ही बढ़िया मुफीद। ये हेलो तारिक, ने क्या बनाया, दिखाओ। जी सर। सर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक मॉडल वॉल्केनो है। क्रेटर के अंदर बेकिंग सोडा का बीकर रखा है, इसमें थोड़ा सा विनेगर डालिए। विनेगर बेकिंग सोडा से मिलने पर रिएक्ट करता है। और फिर हमने बेकिंग सोडा में लाल रंग की फूड कलरिंग डाली है ताकि वो एकदम असली लगे, असली वॉल्केनो के असली लावे जैसा। हमने सही किया ना सर? बहुत बढ़िया, शुक्रिया बच्चों, बहुत अच्छे। हेलो मंसूर, तुमने क्या बनाया है? सर मैं आपको मिलवाना चाहूँगा, नादिर से हेलो कहो। हेलो सर। हेलो नादिर, मिलकर खुशी हुई। इसके बारे में और बताओ मंसूर। इस रोबोट को आप एक ऐप से चला सकते हैं जिसे मैंने अपने फोन पर बनाया है। इसे बहुत से कामों के लिए बनाया है, जैसे कि सफाई, सामान उठाना, चीजें यहाँ से वहाँ रखने जैसे काम। या सर ये ऐसे काम कर सकता है जो एक आम इंसान के लिए खतरनाक हो सकते हैं। क्या बात है, इसे चलाकर दिखाओगे? नादिर उसे उतारो। ठीक है, उतारता हूँ। ये ताकतवर भी है, देखिए। नादिर रॉड को मोड़ दो। ठीक है, मोड़ दिया। सच में लाजवाब, ये हमारी स्कूल की जुजित्सु टीम में काम जरूर आएगा। बहुत अच्छे बच्चों। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने हमारे साइंस फेयर में भाग लिया। लेकिन इस साल के विजेता हैं मंसूर, ओबेद, सालेम, उनके रोबोट के लिए। देखो मैं क्या करता हूँ दोस्तों। तैयार हो जाओ। तारिक, बस इस टिन की डिब्बे को नहला रहा हूँ, इसे बदबू जा रही है। शॉर्ट सर्किट हो रहा है। बच्चों जल्दी बाहर जाओ, हमें यहाँ से निकलना होगा। मंसूर चलो, पूरे स्कूल को बर्बाद करने से पहले मुझे उसे रोकना होगा। मंसूर, पर तुम इसे अकेले नहीं रोक पाओगे। सही कहा, ओबेद तुम्हारी मदद करेगा, मैं चलता हूँ। सालिम, हम एक टीम है। अच्छा तो चलो साथ में करते हैं। शुक्रिया दोस्तों, तो चलो चले। वो कहाँ गया? मुझे पूरा भरोसा है वो यहाँ गया होगा। नामुमकिन, हम इतनी ताकतवर चीज से नहीं लड़ पाएंगे।
लड़ना नहीं है, हमें बस उसे रोकना है। उसकी बैटरी निकाल कर देख सकते हैं। तो तुम करीब जाना चाहते हो उस बेकाबू हो चुके बड़े से सरपेरे से रोबो के पास? आइडिया, मेरे पीछे चलो। चलो फिर। ठीक है दोस्तों, तारिक के वोल्केनो के झाग से हमारा रोबोट शॉर्ट सर्किट हुआ है, सही कहा ना? तो हम उसे और गीला कर देंगे ताकि बैटरीज बंद हो जाए। ठीक है। चलो शुरू हो जाए। शायद हम सेफ है। हम यहाँ एक बड़े से खूनी बेकाबू रोबोट को मॉब से रोकने आए हैं। उसे सेफ रहना नहीं कहते। हमें छुपकर हमला करना होगा। अच्छा आइडिया है, हम उसे अपनी तरफ बुलाकर उस पर सरप्राइज अटैक कर देंगे। अच्छा, पर उसके लिए हमें चारा डालना पड़ेगा। क्या लगता है कौन चारा बन सकता है? नहीं दोस्तों, मैंने मुंह ही क्यों खोला? अब जो होगा सो होगा। ओए, टीन के डब्बे! मोड़ दो। रुको, मुझे मुड़ना नहीं है। अब ये ले। मोड़ दो। रेडी? बैठो रोबोट, बैठो। अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। क्या करना है मंसूर? मैं जानता हूँ। ठीक है, धक्का दो। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इंसानों के लिए हार्मलेस, पर एक रोबोट के लिए खतरनाक। हमने तो पूरा का पूरा स्कूल बर्बाद कर दिया। ओए तारिक, हमें और सीमेंट चाहिए। अच्छा, अगर तुम्हें इतनी जरूरत है तो तुम खुद ही आकर क्यों नहीं ले लेते ये? क्या मैं रोबोट को भेज दूं लेने के लिए? नहीं, कोई बात नहीं, हम खुद ही ले आएंगे। दोस्तों, किसे पता था कि एक सजा में इतना मजा भी आ सकता है।
मेरे छोटू दोस्त। पेड़ से नीचे उतरो और मुझे प्यार करो। हा? चलो अभी मेरे कानों को सहलाओ। एक मिनट। अल्लू बनाया। हे ये मेरा नया इन्वेंशन है, एक मिनिएचर वॉइस एम्पलीफिकेशन यूनिट। ओ बहुत बढ़िया। शुक्रिया बे। बहुत गर्मी है, मेरा मतलब कुछ ज्यादा ही है, मुझसे तो अब ये बर्दाश्त ही नहीं होती। क्या हुआ बच्चों, बहुत गर्मी लग रही है? जाओ जाकर किसी बर्फीली जगह घूमा, तुम्हें वहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। ठीक है, बताइए ना पापा कहाँ। हिमालय जा सकते हो, मैं वैसे भी कल वहीं जा रहा हूँ, अगर तुम साथ आना चाहते हो तो आ सकते हो। हाँ लेकिन तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा, वहाँ खतरनाक यति रहते हैं। हाँ? ये यति क्या होता है? अरे तुम्हें नहीं पता, यति बहुत बड़े जंगली बर्फीले राक्षस होते हैं। दादाजी मजाक कर रहे हैं, यति असली में नहीं होते हैं। पर वो असली में होते हैं, इसलिए बच्चों जरा संभल कर रहना, तुम उनके नाश्ते जैसे दिखते हो। यति की बात सुन के मन तो नहीं बदल लिया ना? तुम्हारे दादाजी बस मजाक कर रहे थे, तो क्या तुम अब भी जाना चाहोगे? हाँ प्लीज हमें ले चलिए, सुनकर ही मजेदार लगता है। और वहाँ जाने से शायद सालिम गर्मी की शिकायत ही ना करे। मुझे यकीन नहीं होता कितनी ठंड है, जम गया है सब, इतनी ठंड कैसे पड़ सकती है। चलो कम से कम गर्मी की शिकायत तो नहीं कर रहा। एक तरीका है खुद को गर्म रखने के लिए सलीम। सच में? क्या? बर्फ की लड़ाई से। आई। सच कहूं दोस्त तो ये बढ़िया तरीका है गर्म रहने का, है ना? माफ करना उबेर, मैंने तुम्हारी गर्मी खराब कर दी। मेरे पास एक सरप्राइज है बच्चों, आ जाओ। देखो ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। सुनो खुले रास्तों में ही रहना जहाँ तुम दिखाई दो, हेलमेट पहने रखना और जंगलों की तरफ बिल्कुल मत जाना। उम्मीद है हमें एक यति दिख जाए। नहीं नहीं दिखे तो बेहतर है। देखो इन्हें ब्रेक कहा जाता है उबेर, रुकने के लिए इसे दबाओ। हाँ काश तुम्हारे मुंह का भी ब्रेक होता। तुम इसी के लायक हो। हाँ? क्या देखूं? बर्फ से भरा एक नहीं, पेड़। वही पेड़ के पास कुछ हिल रहा था, बहुत बड़ा और बालों वाला। तुम अच्छा मजाक करते हो। नहीं नहीं मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों, वहाँ मैंने जो देखा वो शायद ये थी था। उबेद तुम जानते हो ना वो असल में नहीं होते। होते हैं सच में, तुम्हारे दादाजी ने भी कहा था। वो मजाक कर रहे थे। पर मैंने अभी एक देखा और उसने मेरे को हेलो भी कहा था। अच्छा फिर एक ही तरीका है पता लगाने का, हम खुद जाकर देखते हैं। चलो भी फिर उबे, चलकर तुम्हारे ही यति देखकर आते हैं, ठीक है? ओह ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है उबेद। ओह अच्छा,
फिर बताना ये क्या है? अरे नहीं, देखा मैंने कहा था ना, इस सब के पीछे जरूर कोई वजह होगी। हाँ है ना, और उसे यति कहते हैं। हेलो नानो। हेलो मंसूर। ये पैरों के निशान किसके हैं? रुको अभी बताता हूँ। पता चल गया, ये प्रजाति तो बिल्कुल अनजान है। तो क्या ये सच में यति हो सकता है? ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता, वो सच में नहीं होते। पर मैंने अपनी आँखों से देखा। सबूत के लिए फोटो की जरूरत है। ओके शुक्रिया नानो, अब अंदर आ जाओ वरना सर्किट जम जाएंगे। सही कहा तुमने। तो यति असली है कि नहीं, ये जानने के लिए उसकी फोटो लेनी होगी। मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है, खतरनाक हो सकता है। पर तुमने तो कहा तुम्हें वो असली नहीं लगते, तो बताओ खतरा किस बात का? मैं चलो इन निशानों का पीछा करें। पर वो तो जंगल की तरफ जा रहे हैं। चलो भी, एक बड़ा राज खुल सकता है। मेरे लिए रुको। देखा तुमने, क्या अब मुझ पर यकीन हो रहा है? ठीक है चलो कुछ फोटोज खींच लेते हैं। यहाँ से क्लियर नहीं आ रहा, हमें और पास जाना होगा। तुम्हें क्या लगता है वो क्या कर रहा है? शायद एक्सरसाइज कर रहा है, थोड़ा मोटा है। हेलो, कैसे हो? क्यों डर गए ना? दादाजी मैंने तुम्हारी वो आवाज बढ़ाने वाली मशीन यूज की थी तुम्हारे उल्लू बनाते वक्त, मैंने सोचा मैं भी थोड़ा मस्ती कर लूं। मैं पहले से ही जानता था ये कॉस्ट्यूम है। सच में मुझे बहुत खुशी है कि आप ही हैं दादाजी, और मैंने तो मान लिया था कि यति सच में होते होंगे दादाजी। तुम तीनों घबराओ मत, यति नहीं होता है। सच में? फिर वो क्या है? जान बचाकर भागो। रुको। कमाल का शॉट था, सच में मजा ही आ गया। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस गाइस। हाँ मगर एक इतनी अजीब बात है, मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि फिल्म में ये सब लोग भी होने वाले हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हुआ अच्छा हुआ कि आज हमने पूरा दिन शूट कर लिया, और वो बड़ा स्नोबॉल आज का हाईलाइट था। हमें भी मजा आया, हमें भी मूवी में काम कर खुशी हुई। सही कहा ना मैंने? ये तो बदतमीजी है, ऐसे कपड़े पहनकर तुम्हें लोगों को नहीं डराना चाहिए। मंसूर!
मैं जानता हूँ हमने अपने सारे पैसे फ्रीजर और बेहतरीन मछलियों में लगा दिए, पर उसका फायदा हुआ आपको नहीं लगता? नया फ्रीजर, मछलियाँ, इतने गर्मे, जनरेटर, मालिक। मछलियाँ, मछलियाँ, रुक जाओ एक सेकंड, बदबू आएगी। मछलियाँ, खलील, मेरे दोस्त खलील, मैं अभी मछलियाँ बचा लूंगा। नहीं मेरे दोस्त, सब बर्बाद हो गया, चलो जल्दी निकले यहाँ से। परफ्यूम यूज करो या शायद लोगों को बेच दो जो सूंघ ना सके। ज्यादा मत सोचो क्योंकि अभी सब बर्बाद नहीं हुआ है। मेरे पास एक आइडिया है, आज के बाद मैं अपना स्टंट करियर दोबारा शुरू करूंगा। सब बर्बाद हो गया। एक वक्त ऐसा भी था जब मैं एक शानदार स्टंटमैन हुआ करता था, तब लोग बहुत सारे पैसे देकर मुझे देखने आते थे। मैं बाइक जंप करवाता था, मूवीज में काम करता था, बहुत फेमस था। एक वक्त था। ये देखो। अब यही बाकी था। इस वक्त मैं सोच रहा हूँ कि ट्रेनिंग फिर से शुरू कर दूँ, इस बार डाइविंग की। बस मुझे एक छोटा सा शैलो पूल मिल जाए। मैं ले आया। क्या ले आए? आपका पूल। पूल? ये तो चुल्लू भर पानी है। ये छोटा पूल है, आप ही ने कहा था छोटे पूल में डाइविंग करेंगे। मैंने ऐसा कहा था? मैं इसमें फिट हो जाऊंगा। और तुम्हें लगता है कि मैं इसमें ट्रेनिंग दे पाऊंगा? अकल के कच्चे, मैं इसमें कूदूंगा कैसे? 100 फीट ऊपर से आप कर सकते हैं। कैसे? आप इसमें कूद सकते हैं 100 फीट की ऊंचाई से। क्या? बिना एक बूंद भी गिराए, ठीक है? तुम्हारी तो मैं। देखिए, शैलो पूल, ये पानी का ग्लास, किसे परवाह। सोचिए ऑर्गेनाइजर कितने खुश होंगे, वो कहेंगे ऐसा आज के पहले कभी नहीं हुआ। होगा भी कैसे, क्योंकि ये नामुमकिन है। नामुमकिन कुछ भी नहीं। हाँ, हाँ, वही शो का नाम होगा। स्पॉन्सर्स पागल हो जाएंगे। स्पॉन्सर्स? सारी टिकट्स बिक जाएंगी। ऑडियंस? एक बार फिर से। बहुत सारी ऑडियंस। ये तो मुश्किल है। अच्छा, मैंने मुश्किल सुलझा ली है, तो फिर दिखाओ। क्या बात है, ये कितना कूल है। तुम इनका नाम क्या रखोगे? मैं इन्हें जेट ब्रेक्स बुलाऊंगा। दोस्तों, इनकी मदद से किसी भी ऊंचाई से कूदा जा सकता है। बस एक बार इनकी टेस्टिंग हो जाए तो इससे बहने वाला कहीं से भी कूद पाएगा। वो खिलौना मुझे चाहिए। मैं लाऊं? हाँ, तुम्हें ये लेकर आना ही पड़ेगा। नहीं, मैं चोरी नहीं करूंगा। अरे चोरी नहीं करना, उधार मिलाना है, जाओ। सच में नहीं जाऊंगा। एक आखिरी बार। सवाल ही नहीं। अरे जाओ भी। मैं उनसे ले लूंगा, बताऊंगा नहीं।
ये रिस्ट वेट्स तो कमाल के हैं, लगता है इनका असर भी हो गया है मुझ पर। मालिक मालिक, मैंने कहा था हम संभाल लेंगे, पहले इसे पहन लीजिए, शो का टाइम हो गया है। गए काम से मम्मी। हाँ, ये काम मैं कर सकता हूँ। On your marks, get set, ready and माफ करना। किस लिए? तुम्हारी उड़ने वाली चीज मैंने उधार में ले ली है। क्या कोई जानता है कि ये क्या कह रहा है? तुम्हारा उड़ने वाला आविष्कार, वो मैंने ले लिया। ओ, आप इनकी बात कर रहे हैं? हाँ, क्या? रुको, अगर ये तुमने पहना है फिर उन्होंने क्या पहना है? ओ, माफ करना, पर शायद आपने मेरी एंकल और रिस्ट वेट्स को मंसूर का उड़ने वाला आविष्कार समझ लिया। मैंने अपने वेट्स वहाँ रखे थे और फिर वो गायब हो गए। वो वेट्स है? मालिक मालिक, कूदना मत, रुक जाइए मालिक। खलील! ओ नहीं, ओ नहीं! देखा, मैंने एक बूंद भी नहीं गिरने दी। बहुत अच्छे, क्या बात है खलील मेरे दोस्त, मैं बच गया। वाह, सुनकर अच्छा लगा। हमारे दो शो हैं आज और कल। देवियों और सज्जनों, आपके सामने पेश है
उड़ने का महान जादू, वो भी ट्रम्पेट की मदद से। आपके सामने जो प्राचीन यंत्र है, मैं इससे निकलने वाली बेमिसाल ध्वनि से आज मैं हवा में आपके सामने उड़ाऊंगा अपने प्यारे असिस्टेंट को। ट्रम्पेट बजाओ मेरे दोस्त। एक बार फिर, मजा नहीं आया। जोर से, जितनी जोर से बजाओगे उतना ऊंचा जाओगे। और जोर से बजाओ। ये उड़ने वाली ट्रिक काम क्यों नहीं कर रही है? अब शो में सिर्फ 3 दिन बचे हैं और हमारी मेन ट्रिक अब तक तय नहीं हुई। जल्दी कुछ सोचो खलील, हमें कोई महान ट्रिक ढूंढनी ही होगी, वरना हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, घबराओ मत, मैं कोई नई ट्रिक ढूंढ लूंगा। कैसे खलील, तुम्हें एक महान ट्रिक ढूंढनी है? हाँ हाँ, मैं ट्रिक ढूंढ लूंगा, पर उसके लिए मुझे थोड़ी ताजा हवा खाने दो। मुझे यकीन है कि कोई आइडिया मिल ही जाएगा। ये क्या है? ये इस साल के साइंस फेयर के लिए एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस के प्लान्स है। ये क्या है? एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस। क्या सच में? ये दो हुप्स टेलीपोर्टेशन डिवाइस कैसे बन सकते हैं? ये हाई ग्रेड और लाइट वेट मेटालिक अलॉय से बने हैं। लाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, बस इन्हें नीचे रख दो। कमाल देखो। ठीक है, अब इस हुप में कदम रखो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या कर सकता हूँ, उसे कमाल की ट्रिक चाहिए। उसे लगता है कि आइडिया आसमान से गिरते हैं। तो जितना ज्यादा मैं इसे बढ़ाता हूँ उतना ही ताकतवर ये चुंबक बन जाता है। देखो क्या बात है, लाजवाब है। चलो देखें। ये बहुत अच्छा है ना? ये तो करीब उसके जितना ही अच्छा है। नहीं, इस साल साइंस फेयर तो मैं जीतने वाला था, इस बार मेरी बारी है। इस बार मैं मंसूर को बिल्कुल भी नहीं जीतने दूंगा। इसे हमने अब तक टेस्ट नहीं किया। खलील, तुम्हें यकीन है कि ये काम करेगा? बिल्कुल ये काम करेगा। देखो, पहला हुप वहाँ है, वो वहाँ स्टेज पर रखा है, और इसका दूसरा हुप यहाँ पीछे रखा है। तुम स्टेज वाले के अंदर जाओगे और उससे बैक स्टेज आ जाओगे, और मैं ऑडियंस को दिखाऊंगा कि तुम गायब हो गए हो, और फिर तुम पहले वाले की तरफ टेलीपोर्ट होकर स्टेज पर लौट आना, और फिर मैं उन्हें दिखाऊंगा कि तुम वापस आ गए हो। बेहतरीन जादू है ना, अब जल्दी जाओ। तो हमारे प्यारे देवी और सज्जनों, तैयार हो जाइए फिनाले के लिए। एक ऐसा जादू जो आपने आज तक मंच पर नहीं देखा होगा, गायब होता एक इंसान। तो इस ट्रिक के लिए मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसे इंसान को जो प्यारा है और भोला है, खलील। रेडी? रेडी, चलो शुरू करो। मैं जानता हूँ आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या ये मुमकिन है कि कोई गायब हो जाए? एक बार जब ये पर्दा हट जाएगा तो आप सभी मान जाएंगे कि ये वाकई में हो सकता है। अरे लगता है वो एक मोटा बच्चा बन गया है। मोटा? ओए, मेरी बस हड्डियाँ मोटी हैं। और अब पूरी तरह से गायब करने के लिए। तुम कौन हो? याद नहीं है। तुम आए कहाँ से? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? एक मिनट, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? सच में नहीं जानते? दोस्तों, मैं समझ गया यहाँ क्या हो रहा है।
मुझे बस ये बटन दबाना है और उबेद वहाँ से निकल आएगा। दूसरा हुब कहाँ है? पकड़ो उन्हें। वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। उबेद, ओह, अब मैं कहाँ आ गया? सवाल ये है कि तारिक, जमील और जमान कहाँ गए? जी हाँ देवियों, सज्जनों, सही समझे आप। एक की जगह आप देख सकते हैं तीन बच्चे आ चुके हैं। ये कौन है आप सोच रहे होंगे, कहाँ से आ गए ये बच्चे यहाँ पर? आप सभी के सवालों के जवाब मिलेंगे महान ट्रेड के आने पर, जो बस आ रहे हैं। हाँ? तो ये ऐसे काम करता है एक ऐप से? मैं अचानक से महान जादूगर कलील के मैजिक शो में पहुंच गया। तुम्हें वो याद है? ओह हाँ, वो तो कमाल है। पर वो मेरा शो है, मैं हूँ महान ट्रेड। कुछ भी हो, मुझे मेरे शो में वापस जाना है इससे पहले कि वो खत्म हो जाए और मैं बर्बाद हो जाऊँ। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे। हाँ देवियों और सज्जनों, सभी के सभी गायब हो चुके हैं। तुम कहाँ गायब हो गए हो ट्रेड? कहाँ हो तुम? रुक जाओ। मालिक, देखिए देवियों और सज्जनों, ये मुमकिन है। गायब हुआ इंसान लौट आया है। रुक जाओ, अभी इन्हें मजा चखाता हूँ। और वो फिर से गायब हो गए। वो कहाँ गए? तो इतनी देर से ये हो रहा है, मैं समझ गया यहाँ क्या चल रहा है। क्या मैं ये फोन ले सकता हूँ? रुक जाओ, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। तुम उठाओ। मैं क्यों उठाऊं? तुम उठाओ उसे। नहीं मैं नहीं, उसने तुम्हें उठाने के लिए कहा ना? हाँ, पर उसके बाद मैंने तुम्हें कहा। हाँ, पर ऐसा है कि मैंने तुमसे कहा तो तुम्हें उसे उठाना चाहिए। पकड़ लिया। ये देखो, मेरे हाथ में टेलीपोर्टर आ चुका है। ओए, इसे वापस दो। मुझे मिल गया। हटो। ऐसे मैं इस साल साइंस कंपटीशन जीत जाऊंगा और तुम बैठकर रोते रह जाओगे, देखना। नहीं। चलो देखते हैं अब इसमें से कौन निकलेगा। जल्दी चलो, साइंस फेयर वापस लौटना होगा। जजिंग पैनल के आने का वक्त हो गया है। जल्दी करो। अरे क्या कर रहे हो खलील? मेरी बात सुन रहे हो? मुझे टेलीपोर्ट करो। हमारा प्रोजेक्ट एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है टेलीपोर्टेशन का, और इसमें हमारी मदद करेंगे ये। हाँ, क्या मैं? बधाई हो, आपका प्रोजेक्ट शानदार है। हम जीत गए। अब मेरा क्या होगा? मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तुम्हारी देवियों और सज्जनों तालियां हो जाएं। लाजवाब ट्रेड द ग्रेट के लिए, दुनिया के सबसे महान जादूगर ट्रेड द ग्रेट।
साइंस फेयर में आप सभी का स्वागत है। साइंस हमारी दुनिया की स्टडी को कहते हैं। सभी चीजें कैसे और क्यों काम करती हैं, यानी कि हर चीज को मुमकिन कर देता है। साइंस इंसान को चांद पर ले गया है और कंप्यूटर हमारी जेबों में है। मैं एक्साइटेड हूँ, आज हमारे नन्हे साइंटिस्ट क्या पेश करने वाले हैं। इस साल बड़ी खुशी से मैं बता दूं कि हमारे विजेताओं को कैश प्राइज के साथ एक एक्सक्लूसिव टूर मिलने वाला है, वो भी साइंस म्यूजियम का। चलिए जजेस, आप शुरू कीजिए। एक वंडरग्राफ जनरेटर, क्या बात है, डिटेल्स बताओ। वंडरग्राफ जनरेटर एक बहुत ही बड़ी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है, करीब 1 करोड़ वोल्ट का। सही कहा, पर बहुत ही कम करंट से। देखो। आपके तो बाल खड़े हो गए। बहुत ही बढ़िया मुफीद। ये हेलो तारिक, ने क्या बनाया, दिखाओ। जी सर। सर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक मॉडल वॉल्केनो है। क्रेटर के अंदर बेकिंग सोडा का बीकर रखा है, इसमें थोड़ा सा विनेगर डालिए। विनेगर बेकिंग सोडा से मिलने पर रिएक्ट करता है। और फिर हमने बेकिंग सोडा में लाल रंग की फूड कलरिंग डाली है ताकि वो एकदम असली लगे, असली वॉल्केनो के असली लावे जैसा। हमने सही किया ना सर? बहुत बढ़िया, शुक्रिया बच्चों, बहुत अच्छे। हेलो मंसूर, तुमने क्या बनाया है? सर मैं आपको मिलवाना चाहूँगा, नादिर से। हेलो कहो। हेलो सर। हेलो नादिर, मिलकर खुशी हुई। इसके बारे में और बताओ मंसूर। इस रोबोट को आप एक ऐप से चला सकते हैं जिसे मैंने अपने फोन पर बनाया है। इसे बहुत से कामों के लिए बनाया है, जैसे कि सफाई, सामान उठाना, चीजें यहाँ से वहाँ रखने जैसे काम। या सर ये ऐसे काम कर सकता है जो एक आम इंसान के लिए खतरनाक हो सकते हैं। क्या बात है, इसे चलाकर दिखाओगे? नादिर उसे उतारो। ठीक है, उतारता हूँ। ये ताकतवर भी है, देखिए। नादिर रॉड को मोड़ दो। ठीक है, मोड़ दिया। सच में लाजवाब, ये हमारी स्कूल की जुजित्सु टीम में काम जरूर आएगा। बहुत अच्छे बच्चों। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने हमारे साइंस फेयर में भाग लिया। लेकिन इस साल के विजेता हैं मंसूर, ओबेद, सालेम, उनके रोबोट के लिए। देखो मैं क्या करता हूँ दोस्तों। तैयार हो जाओ। तारिक, बस इस टिन के डिब्बे को नहला रहा हूँ, इसे बदबू जो आ रही है। शॉर्ट सर्किट हो रहा है। बच्चों जल्दी बाहर जाओ, हमें यहाँ से निकलना होगा। मंसूर चलो, पूरे स्कूल को बर्बाद करने से पहले मुझे उसे रोकना होगा। मंसूर, पर तुम इसे अकेले नहीं रोक पाओगे। सही कहा, ओबे तुम्हारी मदद करेगा, मैं चलता हूँ। सालिम, हम एक टीम है। अच्छा तो चलो साथ में करते हैं। शुक्रिया दोस्तों, तो चलो चले। कहाँ गया? मुझे पूरा भरोसा है वो यहाँ गया होगा। नामुमकिन, हम इतनी ताकतवर चीज से नहीं लड़ पाएंगे।
लड़ना नहीं है, हमें बस उसे रोकना है। उसकी बैटरी निकाल कर देख सकते हैं। तो तुम करीब जाना चाहते उस बेकाबू हो चुके बड़े से सर पेरे से रोबो के पास? आइडिया, मेरे पीछे चलो। चलो फिर। ठीक है दोस्तों, तारे के वोल्केनो के झाग से हमारा रोबोट शॉर्ट सर्किट हुआ है, सही कहा ना? तो हम उसे और गीला कर देंगे ताकि बैटरीज बंद हो जाए। ठीक है। चलो शुरू हो जाए। शायद हम सेफ है। हम यहाँ एक बड़े से खूनी बेकाबू रोबोट को मॉब से रोकने आए हैं। उसे सेफ रहना नहीं कहते। हमें छुपकर हमला करना होगा। अच्छा आइडिया है, हम उसे अपनी तरफ बुलाकर उस पर सरप्राइज अटैक कर देंगे। अच्छा, पर उसके लिए हमें चारा डालना पड़ेगा। क्या लगता है कौन चारा बन सकता है? नहीं दोस्तों, मैंने मुंह ही क्यों खोला? अब जो होगा सो होगा। ओए, टीन के डब्बे! रुको, मुझे मुड़ना नहीं है। अब ये ले। रेडी? बैठो रोबोट, बैठो। हमला! अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। क्या करना है मंसूर? मैं जानता हूँ। ठीक है, धक्का दो। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इंसानों के लिए हार्मलेस, पर एक रोबोट के लिए खतरनाक। हमने तो पूरा का पूरा स्कूल बर्बाद कर दिया। ओए तारिक, हमें और सीमेंट चाहिए। अच्छा, अगर तुम्हें इतनी जरूरत है तो तुम खुद ही आकर क्यों नहीं ले लेते ये? क्या मैं रोबोट को भेज दूं लेने के लिए? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम खुद ही ले आएंगे। दोस्तों, किसे पता था कि एक सजा में इतना मजा भी आ सकता है।
मेरे छोटू दोस्त। पेड़ से नीचे उतरो और मुझे प्यार करो। हा? चलो अभी मेरे कानों को सहलाओ। एक मिनट। अल्लू बनाया। हे ये मेरा नया इन्वेंशन है, एक मिनिएचर वॉइस एम्पलीफिकेशन यूनिट। ओ, बहुत बढ़िया। शुक्रिया अबे। बहुत गर्मी है, मेरा मतलब कुछ ज्यादा ही है, मुझसे तो अब ये बर्दाश्त ही नहीं होती। क्या हुआ बच्चों, बहुत गर्मी लग रही है? जाओ जाकर किसी बर्फीली जगह घूमा, तुम्हें वहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। ठीक है? बताइए ना पापा कहाँ? हिमालय जा सकते हो, मैं वैसे भी कल वहीं जा रहा हूँ, अगर तुम साथ आना चाहते हो तो आ सकते हो। हाँ लेकिन तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा, वहाँ खतरनाक यति रहते हैं। हाँ? ये यति क्या होता है? अरे तुम्हें नहीं पता, यति बहुत बड़े जंगली बर्फीले राक्षस होते हैं। दादाजी मजाक कर रहे हैं, यति असली में नहीं होते हैं। पर वो असली में होते हैं, इसलिए बच्चों जरा संभल कर रहना, तुम उनके नाश्ते जैसे दिखते हो। यति की बात सुन के मन तो नहीं बदल लिया ना? तुम्हारे दादाजी बस मजाक कर रहे थे, तो क्या तुम अब भी जाना चाहोगे? हाँ प्लीज हमें ले चलिए, सुनकर ही मजेदार लगता है, और वहाँ जाने से शायद सालिम गर्मी की शिकायत ही ना करे। हाँ। मुझे यकीन नहीं होता कितनी ठंड है, जम गया है सब, इतनी ठंड कैसे पड़ सकती है। चलो कम से कम गर्मी की शिकायत तो नहीं कर रहा। एक तरीका है खुद को गर्म रखने के लिए सलीम। सच में? क्या? बर्फ की लड़ाई से। आई। सच कहूं दोस्त तो ये बढ़िया तरीका है गरम रहने का, है ना? माफ करना उबेर, मैंने तुम्हारी गर्मी खराब कर दी। मेरे पास एक सरप्राइज है बच्चों, आ जाओ। देखो ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। हाँ, बहुत कूल क्या है। बात है। सुनो खुले रास्तों में ही रहना जहाँ तुम दिखाई दो, हेलमेट पहने रखना और जंगलों की तरफ बिल्कुल मत जाना। उम्मीद है हमें एक यति दिख जाए। नहीं नहीं दिखे तो बेहतर है। देखो इन्हें ब्रेक कहा जाता है उबेद, रुकने के लिए इसे दबाओ। हाँ काश तुम्हारे मुंह का भी ब्रेक होता। तुम इसी के लायक हो। हाँ? क्या देखूं? बर्फ से भरा एक नहीं, पेड़। वही पेड़ के पास कुछ हिल रहा था, बहुत बड़ा और बालों वाला। तुम अच्छा मजाक करते हो। नहीं नहीं मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों, वहाँ मैंने जो देखा वो शायद यति था। उबेद तुम जानते हो ना वो असल में नहीं होते। होते हैं सच में, तुम्हारे दादाजी ने भी कहा था। वो मजाक कर रहे थे। पर मैंने अभी एक देखा और उसने मेरे को हेलो भी कहा था। अच्छा फिर एक ही तरीका है पता लगाने का, हम खुद जाकर देखते हैं। चलो भी फिर उबेर, चलकर तुम्हारे ही यति देखकर आते हैं, ठीक है? ओह ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है उबेद। ओह अच्छा,
फिर बताना ये क्या है। अरे नहीं, देखा मैंने कहा था ना, इन सब के पीछे जरूर कोई वजह होगी। हाँ है ना, और उसे यति कहते हैं। हेलो नानो। हेलो मंसूर। ये पैरों के निशान किसके हैं? रुको अभी बताता हूँ। पता चल गया, ये प्रजाति तो बिल्कुल अनजान है। तो क्या ये सच में यति हो सकता है? ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता, वो सच में नहीं होते। पर मैंने अपनी आँखों से देखा। सबूत के लिए फोटो की जरूरत है। ओके शुक्रिया नानो, अब अंदर आ जाओ वरना सर्किट जम जाएंगे। सही कहा तुमने। तो यति असली है कि नहीं, ये जानने के लिए उसकी फोटो लेनी होगी। मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है, खतरनाक हो सकता है। पर तुमने तो कहा तुम्हें वो असली नहीं लगते, तो बताओ खतरा किस बात का? मैं चलो इन निशानों का पीछा करें। पर वो तो जंगल की तरफ जा रहे हैं। चलो भी, एक बड़ा राज खुल सकता है। मेरे लिए रुको। देखा तुमने, क्या अब मुझ पर यकीन हो रहा है? ठीक है चलो कुछ फोटोज खींच लेते हैं। यहाँ से क्लियर नहीं आ रहा, हमें और पास जाना होगा। तुम्हें क्या लगता है वो क्या कर रहा है? शायद एक्सरसाइज कर रहा है, थोड़ा मोटा है। हेलो, कैसे हो? क्यों डर गए ना? दादाजी मैंने तुम्हारी वो आवाज बढ़ाने वाली मशीन यूज की थी तुम्हारे उल्लू बनाते वक्त, मैंने सोचा मैं भी थोड़ा मस्ती कर लूं। मैं पहले से ही जानता था ये कॉस्ट्यूम है। सच में मुझे बहुत खुशी है कि आप ही हैं दादाजी, और मैंने तो मान लिया था कि यति सच में होते होंगे दादाजी। तुम तीनों घबराओ मत, यति नहीं होता है। सच में? फिर वो क्या है? जान बचाकर भागो। रुको। गार्ड, कमाल का शॉट था। सच में मजा ही आ गया, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस गाइस। हाँ मगर एक इतनी अजीब बात है, मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि फिल्म में ये सब लोग भी होने वाले हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हुआ अच्छा हुआ कि आज हमने पूरा दिन शूट कर लिया, और वो बड़ा स्नोबॉल आज का हाईलाइट था। हमें भी मजा आया, हमें भी मूवी में काम कर कर खुशी हुई। सही कहा ना मैंने? ये तो बदतमीजी है, ऐसे कपड़े पहन कर तुम्हें लोगों को नहीं डराना चाहिए। Hey,